मेष राशि, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, खान पान का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। धन की दशा में आपके सुधार होगा। नौकरी की समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।